नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय के गुरु नानक देव पाठ, जो हमारे सुप्रसिद्ध कवि लेखक हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, उस पाठ का सारांश समझेंगे। उम्मीद है सभी बच्चे इस पाठ को पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पाठ है गुरु नानक देव। देखते हैं पाठ का नाम ही क्या नाम है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव को आपने सुना भी होगा, ये सिखों के एक बहुत ही बड़े गुरु हुए हैं और इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार कार्य किया है, किस प्रकार इनका जन्म हुआ है, इस चैप्टर में पूरी भूमिका बताई जाएगी। देखते हैं इसमें कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। ये तिथि मानी जाती है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, या कार्तिक मास की जो कार्तिक महीना होता है उसकी जो पूर्णिमा तिथि होती है, ये देश की बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन क्या क्या होता है देखते हैं बच्चे। इस दिन सारे भारतवर्ष में, जो हमारा भारतवर्ष है उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव यानी कोई त्यौहार यानी मेला, स्नान या अनुष्ठान होते हैं। अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर एक मेला लगता है कार्तिक मास का, जिसे हम स्नान कहते हैं, गंगा स्नान के नाम से जानते हैं, और आदि अनुष्ठान भी होते हैं। अनुष्ठान मतलब बहुत सारे पूजा पाठ के कार्य भी किए जाते हैं। यह जो होता है कार्य, ये शरद काल में होता है यानी शरद ऋतु में यानी सर्दियों में होता है। पूर्ण चंद्रमा, इस दिन चंद्रमा क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। उसका जो आकार होता है चंद्रमा का क्या होता है, वो पूर्ण हो जाता है। बच्चों देखते हैं, इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। वैभव मतलब पूरी तरह होता है, बिल्कुल चमकता है उस दिन। पूरी रात्रि में बिल्कुल चांदनी होती है, पूरी रात ऐसा होता है, उजाला ही उजाला होता है। आकाश क्या होता है, निर्मल होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दिशाएं प्रसन्न होती है, जो हमारी दिशाएं हैं चारों वो प्रसन्न होती हैं। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल बिल्कुल शांत वातावरण वाला होता है। पृथ्वी हरी भरी होती है उस समय, जो हमारे पृथ्वी पर क्या होती है, हरियाली होती है। जल प्रवाह मृदु और मंथर हो जाता है, यानी मधुर में होता है मीठा, मंथर में होता है धीरे, यानी जो पानी का जो प्रवाह है, जो पानी चल रहा है, वो क्या होता है, मधुर हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। कुछ आश्चर्य नहीं है कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उच्छलित हो उठे। सामूहिक चित्त का मतलब क्या होता है बच्चों, मनुष्य के अंदर जो विचार होते हैं, जो उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, वो क्या होती है, निकल के आती हैं उसकी। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव में होता है जन्म लेना। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, इसका मतलब होता है जन्म लेना। अब उत्सव मनाया जाता है क्योंकि गुरु, इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव का जन्म माना जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोड़श कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्कंद किरणों से प्रकाशित होता है, आकाश में जो चंद्रमा होता है उसके अंदर मान जाती है 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार जो कोमल स्कंद किरणों से प्रकाशित होता है, जो चंद्रमा होता है अपनी उन 16 कलाओं की जो कला है उनके माध्यम से क्या करता है, अपना प्रकाश धरती पर प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। कहते हैं उसी प्रकार जो हमारा मनुष्य है उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर भी बहुत सारे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और वो स्वाभाविक है। ये क्रिया क्या होती है, स्वाभाविक क्रिया है, ये वैसे ही नहीं आती, ऑटोमेटिक आ जाती है। बच्चों कहते हैं गुरु नानक देव ऐसे ही षोड़श कलाओं से पूर्ण स्कंद ज्योतिष महामानव थे। कहते हैं जो गुरु नानक देव हैं वो भी सोलह कलाओं वाले थे। षोड़श का मतलब होता है 16 कलाएँ से पूर्ण थे और ज्योतिषमान थे, यानी बिल्कुल प्रकाशमान के रूप में, महामानव के रूप में जाने जाते हैं। लोकमानस यानी जनता के इसमें या मनुष्य के रूप में अरसों से कार्तिक पूर्णिमा, अरसों का मतलब पुराने समय से, कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरुदेव के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। कहते हैं पहले से ही लोकमानस यानी मनुष्यों ने कार्तिक मास के दिन ही, जो पूर्णिमा थी उसी दिन ही गुरु नानक देव के जन्म को माना जाता है या जोड़ दिया जाता है। कहते हैं बच्चों गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में
गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे। कहते हैं बच्चों कि जो हमारे गुरु हैं कौन, गुरु नानक देव। कहते हैं शरीर क्या होता है, जो शरीर होता है पार्थिव शरीर होता है, पंच तत्वों से बना हुआ होता है, इसका जन्म होता है, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। कहते हैं अब आप सभी मानेंगे भले वो पार्थिव शरीर में इस समय अभी ना हो, फिर भी वो क्या कहते हैं भक्तों के जो मन में, उनके चित्त में, उनके मनुष्य के दिमाग में या मन में क्या होता है, वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं जो साक्षात शरीर दिखाई देता है वो उसी को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भाव होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज हमारे दिमाग में अचानक उत्पन्न हुई, एकदम उत्पन्न हुई, उसे आध्यात्मिक बात कहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से उसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। कहते हैं हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी और अचानक वो आ जाए एकदम, और वो चीज़ एक अचानक अचंभित करती है, वो एक आध्यात्मिक रूप में उसे महत्व दिया जाना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। कहते हैं जो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, इतिहास के अंदर पंडित हैं, वो पार्थिव शरीर के बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनके विषय के बारे में बहुत ही वाद विवाद करते हैं, यानी बहुत ही तर्क वितर्क रखते हैं। देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। वैसे कहते हैं जो मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसका जो चित्त होता है वो ऐसे इस बात पे ज़्यादा महत्व नहीं देता है। फिर भी हम देखते हैं अगले दूसरे पहरे में, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भाव हो जाए वही क्षण उत्सव का होता है। मान लीजिए किसी के दिमाग में किसी के प्रति आस्था हो और वो एकदम उनके उसमें मन में उत्पन्न हो जाए, उसी समय को वैसे उत्सव के रूप में मान लिया जाएगा। वही क्षण उल्लासित कर देने के लिए ही पर्याप्त होता है, उल्लासित नहीं होता, प्रसन्न कर देना। वही समय क्षण में सकता है समय कि कहते हैं वही समय प्रसन्न करने कर देने के लिए पर्याप्त होता है। कहते हैं उसमें लिखा है संस्कृत में, नवो नवो भवति जयमान। जब जब जन्म लेगा, जब जब नित्य जन्म लेगा, या जब भी नया जन्म लेगा, जब भी वह एक हमें क्या होगा, प्रकाशमान होगा, जयमान होगा, उत्पत्ति के रूप में माना जाएगा। कहते हैं गुरु तुम प्रतिक्षण चित्र भूमि में आविर्भाव होकर नित्य नवीन हो रहे हो। कहते हैं गुरु जी जब तुम हमारी चित्र भूमि में या चित्त के अंदर या मन के अंदर जब भी जन्म लेते हो या आते हो, तभी ही हमारे लिए क्या होता है, वो नया होता है। हजारों वर्षों से शरत काल की यही सर्वाधिक प्रसन्न तिथि। कहते हैं हजारों वर्षों से शरत काल की यही सर्वाधिक प्रसन्न तिथि जो होती है, यानी कार्तिक पूर्णिमा जो है, प्रभा मंडित पूर्ण चंद्रमा के साथ उतनी ही मीठी ज्योति की धनी महा मानव का स्मरण कराती रही है। कहते हैं यानी प्रभा मंडित पूर्ण चंद्रमा का मतलब होता है जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी किरणों से चमकता है, उसी प्रकार ये जो हमारे गुरु हैं उनका उतना ही प्रकाश हमारे मानव जीवन को भी स्मरण कराता रहता है। इसी चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश की समृष्ट चित्र आह्लाद का अनुभव करती है। कहते हैं इस प्रकार से चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध भी जोड़ दिया जाता है और चित्त के साथ इसका अनुभव किया जाता है, यानी मन के साथ इसका अनुभव किया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं रामचंद्र जी का नाम सुना है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, कहते हैं आदि कहकर इसी आहात को प्रकट करते हैं। हम भगवान राम को याद करते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं, उसी प्रकार ही वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव के साथ भी पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। कहते हैं गुरु नानक के साथ भी पूर्ण चंद्रमा का संबंध जोड़ना भी उसी प्रकार माना जाएगा जैसे रामचंद्र कृष्ण चंद्र के साथ जोड़ा गया है। आज वह अपने आहत प्रकट करती हैं, वो भी आज अपने बारे में, अपनी जो जीवन शैली है उसके बारे में, या अपनी जो भी जिस प्रकार से कृष्ण जी को, रामचंद्र भी अपने आप को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार भी गुरु नानक देव भी अपने उसे प्रकट करते हैं। कहते हैं बच्चों गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहते हैं गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। भारत की मिट्टी के अंदर आप सभी देखते हैं युग अयुग, अगर मैं करूँ सतयुग की बात करूँ, त्रेता युग की बात करूँ, द्वापर युग की बात करूँ, हर युग में इस मिट्टी पर किसी किसी ने अपना जन्म लिया है, चाहे भगवान राम ने लिया हो, चाहे कृष्ण जी ने लिया हो। अगर हम अब कलयुग की बात करें तो इस कलयुग में
किसका जन्म माना जाता है? गुरु नानक देव का जन्म भी माना जाता है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। कुसंस्कार क्या होते हैं? बुराइयां। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक बुराइयों में उलझा हुआ था। अगर हम बात करें जैसे कौन कौन सी बुराइयां हैं बच्चों, जातियों में बहुत सारी जाति होती हैं, आपने देखा होगा अनेक जातियां हैं। आज अगर हम किसी भी प्रदेश की अगर देश के अंदर बात करें तो प्रदेश और अगर हम जिले या गांव में भी जाकर देखें तो जातियों से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। संप्रदाय हो सकता है, धार्मिक धर्म हो सकता है, संकीर्ण कुल अभिमानी से भी हो सकता है, संकीर्ण विचार हो सकते हैं, अभिमान हो सकता है। और अभिमान कौन सा हो सकता है? ज़्यादा अत्यधिक अभिमान। वह खंड विच्छन हो गया था। इन चीज़ों में, इन सारी बुराइयों में हमारा देश क्या हो चुका था? बढ़ चुका था, बिखर चुका था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण, कहते हैं बच्चों देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण, आगंतुक होने थे अनेक व्यक्तियों के आने पर एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों का इस देश के अंदर आगमन हुआ, अनेक अनेक धर्मों में हुआ, और उनके आने पर हमारे देश के अंदर हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। कह सकते हैं कि ऐसी हमने कल्पना नहीं करी थी। ऐसी ही दुर्घटकाल में, ऐसे ही समय में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया है। जब ऐसी देश की स्थिति खराब होती है, समाज खराब होता है, ऐसे समय में कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है जो सड़ी रूढ़ियों को, मृत प्राय आचारों को, यानी मरे पड़े विचार जो है उनको, बासी विचारों को यानी जो बेकार हो चुके हैं वो विचार, अर्थहीन संकीर्णताओं को जिनका कोई मतलब ना हो, ऐसी विचारधारा को, ऐसी सोच को के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए, मतलब बिल्कुल भी वो डरे नहीं। और क्या करा? इन्हें जर्जर बातों से, इन कमज़ोर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। कहते हैं इन लोगों ने क्या करा, जब अनेक महापुरुषों ने जन्म ले लिया तो इनकी अंदर जितनी भी बुराइयां थी, अनेक विचार थे, गलत विचार थे, अर्थहीन विचार थे, उन सबको क्या करा, दूर करने का प्रयास करा। उसके बाद उनके अंदर एक ज्योति जाए, एक प्रकाश जलाया और उनके नया जीवन प्रदान करने में महान जीवन देवताओं ने अपनी महिमा का गुणगान कराया। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव एक ऐसे संत थे। इसी संतों की मंडली में अगर मैं बात करूं, जिनकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, गुरु नानक देव जी उनमें से वो भी एक ऐसे संत थे। किस प्रकार के? जो शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह ही स्कंद यानी चमकने वाले, उसी प्रकार शांत निर्मल, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे, यानी रश्मि का मतलब होता है किरणों के भंडार थे। कई संतों के कस कस के चोटे मारी, व्यंग बाण छोड़े, कहते हैं बहुत ऐसे संतों ने उनके बारे में बहुत कठोर बातें भी कही, कड़वी बातें भी कही, तर्कों की छुरी भी चलाई, बहुत सारे तर्क वितर्क रखे, आप ऐसा करो ये गलत है, आप ऐसा करो ये गलत है। गुरु नानक देव के पीछे ऐसे बहुत सारे संत पड़ गए थे जिन्होंने उन्हें बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा, फिर भी उन्होंने क्या करा, पर वे महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। सुधा लेप होता है सुधारने वाला, एक मरहम, यानी उन मनुष्य को सुधारने का काम किया, उन पर लेप करने का काम किया। आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में, आज विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाले यह संत इतने मधुर थे, इतने मीठे थे, इतने स्कंद थे यानी स्वभाव में अच्छे थे, इतने मोहक वचनों को बोलने वाले थे, मीठे वचन बोलने वाले थे, किसी का दिल दुखाए बिना, बिना किसी के दिल दुखाए बिना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी के पर आघात किए बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना, आघात मतलब क्या होता है बच्चों? चोट पहुंचाना। शब्द क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। कुसंस्कार को छिन्न करने की शक्ति रखने वाले, गंदे संस्कारों को, बुरी बुराइयों को समाप्त करने की शक्ति रखने वाले, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लासित करने वाले, कहते हैं नई जीवन देने वाले, नई प्राणधारा में ले जाने वाले, यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में
अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह आज भी क्या है, ज्योतिषमान है, यानी प्रकाशमान है। मध्य काल के समय जब ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से क्या हुआ, शरद पूर्णिमा को अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा की तरह आज भी क्या है, ये प्रकाशमान है। जिस प्रकार चंद्रमा प्रकाशमान होता है उस दिन, उसी प्रकार आज भी गुरु नानक देव प्रकाशमान है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के अंदर से बहुत सारी बुराइयां निकाली, बहुत सारी बातों को उन्होंने समाप्त किया अपनी किस कारण, अच्छे संस्कारों के कारण, मधुर वाणी के कारण। फिर क्या कहते हैं बच्चों इसमें, आज उसी उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, बस वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, यानी आज सभी लोगों में उन्हें क्या किया जाता है, याद किया जाता है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। बच्चों आप सभी जानते हैं जब किसी भी बात को कोई ना माने तो उसे प्रेम से और मित्रता से किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसका साथ सहानुभूति और हित चिंतन चिंता था। कहते हैं कि जब किसी चीज़ की सहानुभूति होती है, किसी के हित में हम किसी का भला चाहने वाले होते हैं, तब जाकर ये प्रेम और मैत्री भाव से वो कार्य हो सकता है। वह कुछ संस्कारों के अंधकार को अपनी स्कंद ज्योति से भी भेदता है। कौन भेदता है, गुरु नानक देव। बुराइयों को अपने जो उनके अंदर बुराइयां थी, जो अंधकार था, उसे अपनी स्कंद ज्योति से भी भेदमान होता है। कहते हैं बच्चों गुरु शब्द का ही मतलब क्या होता है, गुरु मत होता है, गुरु दो शब्दों से बना है बच्चों। पहला होता है गु प्लस रू, अर्थात अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाले का नाम ही क्या होता है, गुरु। इसलिए अंधकार को भी अपनी ज्योति के माध्यम से क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। मुर्मुसु प्रणधारा को अमृत का भंडार उच्छेल कर प्रभाशील बना देते हैं, यानी ऐसी वो विचारधारा है, ऐसे जो विचार है उन्हें भी क्या करते हैं, अमृत के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से क्या करते हैं, उन पर उछेल कर यानी उन पर डालकर उन्हें भी क्या कर देते हैं, समाप्त बना देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वह भेदों के में अभेद देखता है, यानी जो मान लो कोई व्यक्ति है उनके अंदर जो इस प्रकार की बुराइयां, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। नानत्व में एक का संघान बनाते हैं, संघान बनाता है अर्थात ऐसे व्यक्तियों का समाप्त करने का प्रयास करता है जो बुराई से भरे हुए हैं। वह सब प्रकार से निराला है, बिल्कुल अजीब है। इसी कार्तिक पूर्णिमा के अनन्यास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। ऐसी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव के चरणों में क्या होता है, नतमस्तक होने का जी करता है, इच्छा होती है। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है बच्चों। गुरु नानक देव क्या कहते हैं, प्रेम की भाषा समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को जीवन का जो चरम प्राप्त भी होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है उसका जो प्राप्त करने का जो मतलब होता है, वो क्या चाहता है कि वो केवल अपने प्रेम के माध्यम से ही अपने जीवन को प्राप्त कर सकता है। वह क्या है, वह स्वयं प्रेम रूपी है। कहते हैं मनुष्य स्वयं प्रेम रूपी होता है, प्रेम ही उसका स्वभाव होना चाहिए या उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधना होनी चाहिए, प्रेम ही उसकी साधना होनी चाहिए, वो उसी में ही लगा रहना चाहिए। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा ना मान अभिमान नष्ट होगा। कहते हैं जब हम सच्ची प्रेम करेंगे, सच्चा स्नेह करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, तो उससे ही हमारा अभिमान नष्ट हो सकता है। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, छोटे बड़े की जो बात होती है वो समाप्त हो जाएगी। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त मिलेगा, जो भगवान शिव हैं वो तुझे भी क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, अगर सच्चे दिल से आप उन्हें याद करोगे, प्रेम से उन्हें याद करोगे। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन को परम लक्ष्य है। कहते हैं बच्चों सच्चे जीवन की जो प्रेम की साधना है, वही जीवन को हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। जीवन में लक्ष्य, परम लक्ष्य ही हमारा जीवन होना चाहिए, उसके लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। भाई अडामरों को तू धर्म समझ रहा है, जो बाहर के बहुत सारे ऐसे विचार हैं, ऐसी बुराइयां हैं, उन्हें तू धर्म समझ रहा है। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है, जो मूल संस्कारों ने तू उनमें आस्था रखता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। ये क्या है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। कहते धर्म क्या है, धर्म धारयति इति धर्मा, कहते हैं जो धारण करने योग्य बातें होती हैं वही एक धर्म होता है। कहते हैं धर्म तेरे अंदर होता है, भगवान के रूप में भीतर तेरे विराजमान है। उसी आगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, कहते हैं उसी प्रभु की शरण को पकड़, क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, यही मुक्ति के नहीं है, बंधन से हेतु है। कहते हैं बच्चों ये बंधन के लिए नहीं, बंधन है ये, मुक्ति नहीं है। कहते हैं धन्य है अगम अगोचर अलग अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, जहाँ तक देखूँ वहाँ तक जल में
थल में पृथ्वी में, कहते हैं जल थल का आप सभी जानते हो, पृथ्वी भूमि सर्वत्र तुम्हारी लीला क्या है व्याप्त है, घट घट में तुम्हारी ज्योति क्या है प्रकाशमान हो रही है उद्भावित हो रही है। ये फिर दोहा दे दिया है बच्चे इन्होंने अपने कबीरदास, इसका गुरु नानक देव ने जो लिखा है कि जो प्रभु आप कौन हो, अगम हो, अगोचर हो, अलग हो और अपार भी हो, देव तुम क्या हो, तुम बिल्कुल अलग ही हो, अगोचर हो और बिल्कुल ही निराले हो, चिंता करूं हमारी तुम्हारी, तुम्हारी मेरी, तुम मेरी चिंता करो। फिर कहते हैं जल थल में पृथ्वी में आदि में क्या है, घटघट में तुम सर्वत्र तुम्हारी लीला क्या है विराजमान है या प्रकाशमान है। आगे कहते हैं अद्भुत है गुरु की वाणी, वाणी में सोता है बच्चों वाणी यानी जो वो बोलते थे, सहज बोधक शक्ति है यानी एक बिल्कुल ऐसी है जो दूसरे को आसानी से समझ में आ जाती है, कहीं कोई आडंबर नहीं है, कोई कोई गलत नहीं है, कोई बनावट नहीं है, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है, जब दिल से कोई बात निकलती है, हृदय से कोई बात निकलती है वो सहज ही दूसरे आदमी को भी समझ में आ जाती है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, ये जीवन है बड़ा ही सहज है और ये एक जो क्या है तो सहज पर ये कठिन साधना भी है, पूजा भी है। सहज भाषा बड़ी ही बलवती होती है, जो आसानी से प्राप्त हो जाती है भाषा उसे वो बलवती बलशाली होती है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, बच्चों आप समझते हो ना सीधी लकीर को खींचना बड़ा आसान काम है, ऐसा नहीं है, सीधी लकीर को ही टेढ़ा कहते हैं, सीधा खींचना ही बहुत टेढ़ा काम है। फिर भी कहते हैं मालिक छोटी लकीर है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचनी हो तो कैसे करेंगे, उसी के सामने नीचे लकीर खींच देंगे तो वो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। कैसे कहते हैं गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है, गुरु की जो वाणी है उनके जो विचार हैं वो बड़ी ही सहज वाणी के माध्यम से प्रचारित प्रचार प्रसार किया जा सकता है। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है उनकी, कोई अभिमान उनके अंदर नहीं है, कहीं भी पांड्य का दुर्धर बोझ नहीं है यानी किसी प्रकार के कोई पंडित वगैरह वगैरह उनके पीछे नहीं है, फिर भी वे पंडितों के आंदोलन करने वाली यही वाणी धन्य है। कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, कोई पढ़ता सहसा कृता कोई पढ़े पुराण, कहते हैं कोई तो पढ़े बहुत सारी किताबें कोई पढ़े बहुत सारे पुराण, कोई नामू जपे जपमाली लगे तिरसे ध्यान यानी कोई अपनी माला का जप करता रहता है, कोई अपना ध्यान लगा रखता, अब ही कभी कुछ न जाना, अब तक उन्होंने कुछ नहीं जाना, तेरा एक नाम पहचाना और ना तेरा कोई एक उन्होंने नाम पहचाना, न जाना हर मेरी कवन गति तेने ना मेरी जो गति है उसे जानने का प्रयास भी नहीं किया, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, हम जो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं हम प्रभु तेरी शरण में क्या है, कोई कृपा राखूं मेरी लाज पते यानी मेरे पे कृपा कीजिए और मेरी लाज रखिए, इस तरीके की जो भावना है उसके माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। ये किसने कहा, गुरु नानक देव ने। कहते हैं फिर क्या कहते हैं, ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से जो बिल्कुल अहंकार रहित थी, ऐसी सीधी मीठी वाणी से निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया, उसका उद्देश्य बताया। आज विद्वान चकित कहते हैं चकित हैं, पंडित अचरज में है, पंडित आश्चर्य में है कि कितनी बड़ी ताकत और कैसी निर्हुई रूपी यानी कितनी बड़ी ताकत और बिना किसी रूप में, कालिदास ने ठीक ही कहा है कि ध्रुवम बपु कांचान पदम ध्रुवम जन्म मृदु प्रकृत्या च संसार में विच, कहते हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव में क्या होता है मृदु होता है मतलब मीठा होता है, जो स्वर्ण कमल के समान धर्म वाला होता है, जो अच्छे स्वभाव वाला होता है, एक बिल्कुल चंद्रमा की तरह होता है, एक ध्रुव तारे की तरह होता है, वो स्वभाव में क्या होता है मीठा होता है, किंतु सारवान भी होता है यानी कहते हैं कि शरीर वाला भी हो सकता है या संसार को प्रकाशमान करने वाला भी हो सकता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे, वो कहते हैं इसी प्रकार से वो ऐसे मानव थे। कहते हैं मृदु प्रकृत्यच संसार में विचय, जो स्वभाव से मीठा होता है संसार उसे क्या करता है याद करता है। फिर कहते हैं बड़ी सुंदर लाइन जो पीछे आ रही थी मैं पीछे अब आगे बात कर लेते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए, किसी लकीर को मिटाए बिना, मान लीजिए कोई एक लकीर है, अभी मैं अगर यहाँ आपको लकीर खींच के दिखा देता हूँ, इस पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, मान लीजिए एक लकीर है ये, अब किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है,
बड़ी लकीर खींच देना। अगर मैं इसे छोटी लकीर के सामने कोई इस बात को ऐसे कर दूं, देखिए ये क्या हुआ, अब ये क्या होगी, कहते हैं किसी लकीर को मिटाए बिना, हमने ये लकीर मिटाई नहीं ऊपर वाली, अब क्या करा, ये ऊपर वाली मिटाई नहीं बिल्कुल भी, अब क्या करा, इसके नीचे क्या करा, इसे बड़ी लकीर नीचे खींच दी, यानी छोटी बना देने का उपाय क्या होता है, बड़ी लकीर को नीचे खींच देना। इस प्रकार से ये प्रक्रिया करी, सुचित अहमियकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं को शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रों का माप कदाचित ठीक नहीं होता। किसी भी अहंकारी समस्याओं को दूर करना, संकीर्ण विचारों को, अर्थहीन विचारों को दूर करने के लिए तर्क और शास्त्रों का मार्ग कदाचित ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर हम मार्गों उस चीज़ को अपनाने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो उसमें उलझ भी सकते हैं। सही उपाय यह है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना चाहिए, जो बड़ा सत्य होता है उसे क्या कर देना, सामने प्रकट कर देना चाहिए। गुरु नानक देव ने यही किया, गुरु नानक देव ने क्या किया, उन्होंने यही कार्य किया, सत्य को प्रकट कर दिया उनके सामने, उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुख सम्मुख कर दिया। हजारों दिए तथा महाज्योतिषों के सामने स्वयं फीके पड़ गए। कहते हैं जो हजारों लोग ऐसे थे जो अहंकारी थे, अर्थहीन विचार रखने वाले थे, जब उन्होंने जनता के सामने बड़े बड़े अपने सत्य रखे तो वो सारे क्या हो गए, वो फीके पड़ गए। फिर क्या हुआ बच्चों, भगवान जब अनुग्रह करते हैं, यानी जब भगवान का जब हम याद करते हैं, तब अपनी दिव्य ज्योति से ऐसे महान संतों में उतार देते हैं, वो अपनी ज्योति को अपने आप को क्या करते हैं, महान संतों में ही उतार देते हैं और भगवान के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रित कर के उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। ऐसी ज्योति, ऐसे भगवान का रूप जब किसी मानव के देह के शरीर में आता है, यानी मानव शरीर में आता है, तो वो चुपचाप नहीं बैठता, वे क्रियात्मक होता है, वो कार्य करने वाला होता है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, उतारती है, ऊपर उठाती है, ये सारे काम करने में प्रयास करती है। इससे पुरानी परिभाषा, पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। कहते हैं जब एक बार उसका अवतार होता है, जब वो धरती पर आता है, तो और दूसरी ओर औरों का भी उद्धार उसका साथ हो जाता है। अवतार और उद्धार की यही लीला भगवान के प्रेम को सक्रिय रूप में होती है, जिससे पुराने भक्तजन अनुग्रह करते हैं और भगवान क्या उन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रिय ज्ञान हरि का यही अनुग्रह सक्रिय हुआ, यानी उसे पुकारने का, उसे याद करने का जो एक कार्य है, जो ज्ञान हुआ है, वह आज भी क्रियाशील है, आज भी लोग उसे किसी प्रकार से करते हैं और आज भी गुरु नानक देव को क्या करते हैं, याद करते हैं। आज कदाचित गुरु की वाणी सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। अब आप भी जानते हैं संसार के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको समाप्त करने के लिए आज फिर पुनः से गुरु को इसी प्रकार से याद किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस प्रकार से याद किए गुरु नानक देव को वो आएंगे और द्वारा इस संसार में हो रही बुराइयों को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। फिर कहते हैं, महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नई उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदित कर रही है, यानी अपना प्रणाम प्रस्तुत कर रही है। आशा की ज्योति विकरण करो, मैत्री और प्रीति का स्कंद धारण से अप्लावित करो। कहते हैं कि हम सब इस प्रकार से अपने आप को मित्रों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, अपनी अच्छे विचारों के माध्यम से अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हमारे रह गई है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम तुम्हारी अमृतमय वाणी को भूले नहीं गए हैं। आपने जो हमें एक अमृत वाणी दी है, प्रेम की वाणी दी है, उसे भी आज तक हम नहीं भूले हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। कहते हैं, हे गुरु नानक देव, भारत के वासियों का जो प्रणाम है उसे स्वीकार करो, उनका नमस्कार को स्वीकार करो। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर अपने विचार इसमें दिए हैं। गुरु नानक देव ने अपने माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से ये सारी बातें, जनता के बीच की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैंने पूरी तरह से पाठ को समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर किसी बच्चों को इसमें कोई समस्या हो तो वो आकर संपर्क में आ सकता है और आकर पूछ सकता है। नमस्कार।